मैट पेंट आर्टिस्ट जो बेसिकली पेंटिंग्स बनाते हैं, मैट पेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका एम है कि मैं मार्वल्स की मूवीज में काम करूं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को रेकमेंड नहीं करूंगा। सो सैलरी कैन गो अप टू 2 लाख 3 लाख। रिसेंटली लेटेस्ट एंटमैन की मूवी रिलीज हुई, उस पर भी मैंने काम किया था। हेलो, वेलकम बैक टू रियल एफएक्स। सो पिछले वीडियो में हमने आदि पुरुष के ट्रेलर के वीएफएक्स को रिव्यू किया था और उसके कुछ गलतियों को फिक्स किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए है जो वीएफएक्स के लिए पैशनेट है और वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आज मैं उन वीएफएक्स आर्टिस्ट की बात नहीं करूँगा जो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और यूट्यूब पर वीडियोज़ बना के डालते हैं। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो प्रोफेशनली एक वीएफएक्स स्टूडियो में काम करते हैं, फॉर मार्वल मूवीज़, फॉर डिज्नी मूवीज़, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और कर चुके हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा। क्या आप मार्वल्स के फ़ैन हैं जिसमें स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थैनोस, एंटमैन? क्या आप बाहुबली के इस सीन को देख के इमोशनल हो जाते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आरआरआर जैसी मूवीज़ में ऐसे विजुअल इफेक्ट्स कैसे बनाते हैं जैसे इस सीन को देखिए? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है? एवेंजर्स, आयरन मैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, डिज्नी की मूवीज़ भी हैं, क्या इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि मैं भी इन पे काम कर सकता हूँ? क्या मेरा भी इन मूवीज़ के क्रेडिट लिस्ट में नाम आ सकता है? तो जी हाँ, आपका भी आ सकता है। और आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के VFX को कैसे अचीव किया जा सकता है और कैसे एक सक्सेसफुल VFX आर्टिस्ट बना जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो के एंड में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अपना VFX करियर कैसे ग्रो किया, मैं VFX इंडस्ट्री में कैसे ग्रो हुआ और मैंने किस किस कंपनीज में काम किया और कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं रियल एफएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर कैसे VFX आर्टिस्ट बन सकते हैं? अगर आपको एक प्रोफेशनल VFX आर्टिस्ट बनना है, फॉर एग्जांपल कि आपका एम है कि मैं मार्वल्स की मूवीज में काम करूं, डिज्नी की मूवीज में काम करूं और भी बड़े बड़े हॉलीवुड के प्रोजेक्ट जैसे कि लायन किंग्स, अगर आपका ड्रीम है इन बड़ी मूवीज में काम करूं और बड़ी मूवीज में मेरा नाम आए, उनकी क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम आए, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल VFX कोर्स करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोफेशनली VFX सिखाते हैं, VFX की डिग्रीज हैं, आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो VFX में। तो आइए अब देखते हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो VFX के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट के नाम बताऊं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक स्पेसिफिक इसी इंस्टीट्यूट में जाओ। आप अपनी रिसर्च करिए किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कि उनका रिव्यू कैसा है और उनके एक्स स्टूडेंट से पूछिए कि इंस्टीट्यूट कैसा है। अपना आप अपना रिसर्च करिए किसी भी इंस्टीट्यूट पे, फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। मैं आपको कोई इंस्टीट्यूट रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि हर सिटी में, हर स्टेट में उनके अलग टीचर्स होते हैं, उनकी अलग फैकल्टी होती है, तो हर जगह वेरी करता है कि वहाँ पे कैसे टीचर्स होंगे, वो कैसा सिखाते हैं, हर लोकेशन पे अलग अलग वेरी करता है। सो अपना रिसर्च करके जाएं। मैं सारे लोकेशन के बारे में अवेयर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुंबई के बारे में बता सकता हूँ। मैक अरीना एनिमेशन है और जीका है, एक और इंस्टीट्यूट है FX स्कूल, और आप एनिमेशन में BSc भी कर सकते हैं, उसके लिए भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं जो आजकल ऑब्वियसली सिखाती हैं। VFX का ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हैं लेकिन है थोड़ी एक्सपेंसिव है। जैसे एक मुंबई में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स, फिल्म मेकिंग के लिए है वो, फिल्म मेकिंग में A to Z चीज़ें वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सिखाते हैं। अगर आपको VFX आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो आइए अब देखते हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो VFX स्टूडियोज में यूज होते हैं प्रोफेशनली। सो हर सॉफ्टवेयर का एक अपना रोल है, एक सॉफ्टवेयर से पूरा काम नहीं होता है VFX का। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उन पे काम करते हैं। कंपोजिटिंग आर्टिस्ट न्यूक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। सो कंपोजिटिंग क्या होता है? कंपोजिटिंग एक वो प्रोसेस है जो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करके एक रियलिस्टिक इमेज बनाना, इमेज को फाइन ट्यून करना, इमेज को एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन लेके जाना। आप जितना अच्छा बना सकते हो उतना कम है। कंपोजिटिंग इज अ आर्ट, अट्रैक्टिव बनाना वो कंपोजिटर का काम होता है। 3D आर्टिस्ट माया यूज़ करता है। माया 3D में हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, एवरीथिंग यू कैन डू विथ माया। सो इन बिग स्टूडियोज़ लाइक MPC,
टेक्निकलर, डबल नेगेटिव, रेड चिलीज, ऐसे बड़े बड़े स्टूडियोज में 3D आर्टिस्ट माया यूज़ करते हैं। सो 3D में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मॉडलिंग, एनिमेशन, टेक्सचरिंग, लाइटिंग। सो मॉडलर क्या करता है, मॉडलिंग आर्टिस्ट एक मॉडल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक टेबल का मॉडल बनाना है मुझे, तो वो एक मॉडल मॉडलिंग आर्टिस्ट मुझे बना के देगा। सो मॉडलिंग आर्टिस्ट अपना मॉडल बनाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मॉडल बनाना हो तो मॉडलिंग आर्टिस्ट करता है। एनिमेटर, किसी भी चीज़ को एनिमेट करना। फॉर एग्जांपल, किसी डॉग का एक मॉडल है और उस पर उसको एनिमेशन करना है, उस डॉग को, डॉग भाग के जा रहा है और कूद रहा है, वैसा कुछ एनिमेशन देना है, तो वो एनिमेटर करता है। एनिमेशन एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी है, उसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं। एनिमेशन के बाद हम आते हैं टेक्स्चरिंग पर। जो टेक्स्चरिंग क्या है, टेक्स्चरिंग एक ऐसा रोल है जिसमें एक मॉडल को टेक्स्चर करना। मान लो कि एक टेबल का मॉडल है, तो उस टेबल के मॉडल पे मुझे टेक्स्चर डालना है। टेक्स्चर एक टेबल किसी भी तरीके का हो सकता है, एक टेबल किसी भी कलर का हो सकता है, तो वो कलर डालना, वो टेक्स्चर डालना, कैसा टेक्स्चर डालना है, तो वो टेक्स्चरिंग आर्टिस्ट करता है। अगर मुझे डार्क ब्राउन टेक्स्चर चाहिए उसका और थोड़ा सा रफ टेक्स्चर चाहिए, तो वो काम करता है टेक्स्चरिंग आर्टिस्ट। लाइटिंग आर्टिस्ट का काम ये होता है कि एक 3D सीन को रियलिस्टिक लाइटिंग देना। अगर हमको मान लो कि VFX में कोई फायर बनाना है, स्मोक बनाना है, वाटर बनाना है, कुछ सिमुलेशन करना है, तो उसके लिए हुडिनी यूज़ होता है। तो FX आर्टिस्ट जो होते हैं वो हुडिनी यूज़ करते हैं। और एक डिपार्टमेंट होता है मैट पेंट आर्टिस्ट, जो बेसिकली पेंटिंग्स बनाते हैं, मैट पेंट्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट वो फोटोशॉप में होती है। सो मैट पेंटिंग आर्टिस्ट, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, वो फोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेरी जर्नी के बारे में, मेरा VFX करियर मैंने कैसे शुरुआत किया। सो आई स्टार्टेड एज अ फ्रेशर कंपोजिटिंग आर्टिस्ट। मैं कंपोजिटिंग टीम के साथ काम करता था। शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ आप ग्रैब करने लग जाते हो। वहाँ पे मुझे सब करना पड़ता था। वहाँ पे मैं रोटो भी करता था, पेंट भी करता था, कंपोजिटिंग भी करता था। देन समहाउ आई गॉट द चांस टू वर्क विद अनदर स्टूडियो। उस टाइम पे उस स्टूडियो में हॉलीवुड मूवीज़ का काम चल रहा था। ऐसे मैंने हॉलीवुड का अपना जर्नी स्टार्ट किया, वर्किंग विद द हॉलीवुड मूवीज़। और आज मैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। आई एम अर्निंग वेल, अच्छा कमा रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ गुड। कंपोजिटर का एक और एडवांटेज है कि फिल्म का जो डायरेक्टर होता है, कभी कभी वो डायरेक्ट आर्टिस्ट से कम्युनिकेट करता है उसके नोट्स के बारे में, कि उसको क्या इम्प्रूवमेंट्स करवाने हैं शॉट में, क्या नोट्स हैं उसके, क्या करेक्शंस हैं। तो कभी कभी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सीधा आर्टिस्ट से, सो बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। सो वो भी एक अच्छा पार्ट है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एक मूवी पे काम किया था मैंने, जॉन अब्राहम की अटैक मूवी। सो उस पर हम काम कर रहे थे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं लक्ष्य राज आनंद, वो स्टूडियो में आके हमारे साथ बैठ के क्रिएटिव नोट्स देते थे, क्रिएटिव करेक्शंस देते थे। और सो दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ जॉब कि हमको डायरेक्टर के साथ भी चिल करने मिलता है। अभी सैलरी के पार्ट पे आ जाते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपनी सैलरी भी ग्रो कर सकते हो। सो सैलरी कैन गो अप टू 2 lakh, 3 lakh। शुरू में आपको सैलरी अराउंड 30,000 to 40,000 मिलती है, डिपेंड्स ऑन द स्टूडियो। करंटली मैं MPC के साथ काम कर रहा हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। रिसेंटली लेटेस्ट एंटमैन की मूवी रिलीज हुई, उस पर भी मैंने काम किया था। और भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है जो मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द कंपनी पॉलिसी। हमको अलाउ नहीं है रिवील करना, सो वो रिवील नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे और अच्छे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। MPC इज़ नोन फॉर लायन किंग, एंटमैन, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं हॉलीवुड मूवीज़ में जिस पे MPC ने काम किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है MPC ने। MPC एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और आपको VFX से रिलेटेड कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, हम VFX पे अपने करियर की शुरुआत कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप मैं इन डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आज के एपिसोड में इतना ही, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे क्रिएटिव।